देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। पाकिस्तान एक बददिमाग और बदतमीज मुल्क है। उसके पास बेशक खाने के लिए खाना ना हो, बेशक गरीबी से वो जार जार हो रहा हो, मगर उसके हुक्मरान भारत पर चढ़ाई करने का ख्वाब देखते रहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेअंदाजी ऐसी है कि सब कुछ जानते हुए भी वो परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं। ऐसी गिदड़ भपकियां बहुत आम हो गई हैं। दरअसल ये धमकियां ये बताती हैं कि पाकिस्तान आठों पहर खौफ में रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत की परमाणु मिसाइलों के आगे उसकी कोई औकात नहीं है। फिर भी आपको बताते हैं कि भारत के पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने के लिए काफी हैं, और पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिनके दम पर उसे ये भ्रम है कि वो भारत का मुकाबला कर सकता है। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी रेंज 5200 किलोमीटर है, मतलब लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत पूरा पाकिस्तान इसकी जद में है। वहीं पाकिस्तान के पास शाहीन 3 है जिसकी रेंज महज 2700 किलोमीटर ही है। भारत के पास अग्नि 4 भी पाकिस्तान को पलक झपकते खाक कर सकती है, इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। जबकि पाकिस्तान के पास अबाबील मिसाइल है, इसकी रेंज करीब 2200 किलोमीटर है। भारत के पास अग्नि 3 है जिसकी रेंज 3200 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन 2 नाम की मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। भारत के बेड़े में अग्नि 2 भी शामिल हो चुकी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन 1A है जिसकी रेंज महज 900 किलोमीटर है। भारत के पास अग्नि 1 पहले से ही ताकत बढ़ा रही है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के पास इससे मुकाबले के लिए 290 किलोमीटर की रेंज वाली गजनवी मिसाइल है। भारत के पास अब पृथ्वी 2 भी है जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है, जबकि इससे मुकाबले के लिए पाकिस्तान के पास 200 किलोमीटर की रेंज वाली अब्दाली मिसाइल है। भारत की ताकत पृथ्वी 1 मिसाइल भी बढ़ाने वाली है जिसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर है, जबकि इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास 60 किलोमीटर की रेंज वाली नस्त्र मिसाइल है। समझना बहुत आसान है कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता।